मेरे इस लाइफ का ये पहला ट्रैवल था जो हम लोग गुप्तेश्वर महाराज के यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से हमारा ट्रैवल स्टार्ट होता है, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता बिल्कुल। कहा जाता है कि यहाँ पे 7 पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है और सच में 7 पहाड़ चढ़ना पड़ा हम लोगों को और हमारी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। सिर्फ हमारे टीम में 2 ही बंदे आ चुके थे यहाँ पे और हम लोग 7 लोग और आए हैं एक्स्ट्रा, मतलब हम लोग सभी लोग 9 लोग हैं टोटल और 7 लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और उन दोनों की भी हो जाती है, लेकिन उन लोगों को पता होता है कि कितना दूर जाना है या नहीं जाना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि पहाड़ चढ़ना और पहाड़ उतरना, ये सबसे कठिन कार्य है यहाँ का। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइज, तो आज फिर से आप लोगों को एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही कि सावन का महीना चल रहा है तो सावन के सोमवार में जल डालना आती है, आवश्यक होता है, सभी लोग बोलते हैं और आप लोगों को भी पता है शंकर जी को सावन में सोमवार के दिन कितनी भीड़ होती है। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग खाना पीना करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे, तो आप लोग फिर हम लोग को यहाँ से चढ़ना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इस रास्ते से हम लोग और यहाँ पे आइए, मैं आप लोगों को सबसे प्यारी चीज दिखाता हूँ, चढ़ना प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं झील के पास और वहाँ से पानी भरेंगे, वहाँ पे नहाएंगे भी और वहाँ से नहाने आने के बाद हम लोग कुछ खाना पीना करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इधर है तो शुरू में तो हमें लगता है बहुत ही आसान काम है, लेकिन ये बहुत ही कठिन होता है झील के पास जाने का। बहुत ही खतरनाक झील है आप लोग देख सकते हैं ऊपर की, और अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं से पानी भरने के लिए। झीलिया के नहीं लिया जाए, झील के पानी भरा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की थोड़ी समस्या है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग गाइस, यहाँ पे हम लोग जंगल में भटक रहे हैं और रास्ता भूल चुके हैं, देखते हैं हम लोग निकल पाते हैं या नहीं। आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कांटे वाटे हैं और इसलिए जूता वूता पहनना यहाँ पर अति आवश्यक है, पहनना जरूरी है। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग झील के पास आ चुके हैं। कैमरा मैन फोकस करो, झील का पानी आवाज एक तरफ से बोल सकते हैं हम लोग अभी जन्नत में आ चुके हैं, पहाड़ में नहीं जन्नत में आए हैं हम लोग अभी। मगर क्यों गाइस, ये लोग बोल रहे थे मैं पहाड़ में लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो जन्नत में लेके आ चुके हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं वो लोग उस साइड से जा रहे हैं, मैं साइड से, और अजय वहाँ पे है, गोविंद है वहाँ पे हैं, और हम लोग की हालत ख़राब हो चुकी है। जस्ट बोलने के लिए हालत ख़राब है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं रास्ता बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए हमें थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा। और ये पेड़ आप लोग देख रहे हैं जिसमें काटे हैं छोटे छोटे, तो इससे हमें बचा कर जाना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सावधानी से। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नहाने के लिए बहुत ही प्यारा है। हाँ, और अजय वहाँ पे है, अभी फंसा हुआ है वो। हाँ, और आप लोग देख ही सकते हैं कितने ही अरे। तो अभी हम लोग कपड़ा चेंज करेंगे और यहाँ पे खाना पीना आज भी धोखा करेंगे, खाना पीना करने के बाद हम लोग को साफ पार करना है, साफ पार ऐसे बंद कर दो। Yeah.
गाइस अभी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं इन दोनों का कितना ये लोग मजा ले रहे हैं। और आइए मैं पानी में चलता हूँ अभी, तो मैं इन लोगों का वीडियो शूट करूँगा पानी में फोन डाल के अपना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे नहा लिए, नहाने के बाद अब खाना पीना अपना करेंगे, उसके बाद हम लोग को पहाड़ चढ़ना है और हम लोग को उसी रास्ते से जाना है, होकर वहाँ से जाना है अभी गुप्ता धाम के लिए। और हम लोग फिर कल सुबह तक लगता है जल ढार पाएंगे। और ये लोग बहुत ही आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं दोनों। तो अभी आप लोग तो देख ही सकते हैं मैंने पानी बोतल में भर लिया है। पानी भरने के बाद हम लोग नहा धोकर कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और हम लोग पैंट वैंट निकाल देते हैं, चड्डे पहन लेते हैं क्योंकि हमें पहाड़ चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगा पैंट पहनने के बाद। चड्डा पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, इसमें पाँव फैला सकते हैं हम लोग काफ़ी लंबा लंबा, वरना पैंट में तो फंस जाएगा और हम लोग गिर जाएंगे और हम लोग को चोट लग जाएगी तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, यानी हमारा टूर ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। और हम लोग निकले दर्शन के नाम पे तो दर्शन भी नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या ही मतलब मिलेगा हमें। तो हम लोग चल देते हैं यहाँ पे, खाना पीना अपना कर लिए हम लोग, और हम लोग का अभी पैकेज हो चुका है और हम बड़े भैया हम ये समझे कि अच्छे बात का है, ऐसा बात नहीं है बुरा बात का है। तो ये रहा यहाँ से पहला गेट का फर्स्ट पहाड़, और हम लोग यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद लेकर चल देते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अब हमें क्या पता कि असली लड़ाई तो अब लगी है हमारी, और नहाने के लिए तो हम लोग यहीं से पहले ही झील में नहा चुके हैं और ऊपर देखते हैं कितनी झील मिलती है या नहीं। आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा गुप्ता धाम का। तो अभी के टाइम पे हमारी फट चुकी है, रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो अभी मजा आ रहा में को भैया, मजा आवा था? अरे मजा तो यहाँ साथ साथ चल रहा है। बाप भैया तो बड़ा जल्दी हूँ वो जा जा वहाँ। पहले हम लोग छह पार डाल चुके हैं, फर्स्ट खत्म, दूसरा चालू, अभी शक्ति नहीं है चलते हैं, दूसरा मैं दिखाता हूँ लोगों को। तो अभी दूसरा स्टार्ट हुआ है हमारा, और अभी आप लोग व्यू देख सकते हैं वहाँ का, नीचे एक जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। हाँ ये हाँ देखो दिखा, यहाँ पे अभी देख सकते हो यहाँ पे सबकी हालत खराब हो चुकी है और हम लोग दूसरा पहाड़ चढ़ चुके हैं आधा, और अभी बचा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और ये हमारे बड़े भैया हैं जो कि हमें कंपनी दे रहे हैं टाइम टू टाइम, और एक लोग यहाँ पे हैं और पार्टनर यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो हमें लेकर आया है वो यहाँ पे, इसकी हम लोग अच्छे से मारेंगे। अरे बोलूंगा लेकिन ये जो भी है जहाँ भी लाया हम लोग को जन्नत में लाया है, और इसके लिए मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पलाने वाला भाई साहब ये चल और हम लोग को जन्नत में लाया है, बहुत मजा आया यहाँ पे। बेबी स्वर्ग में पहाड़ों में आ गया हूँ, बहुत ही इंजॉय हम लोग कर रहे हैं। मुश्किल तो है लेकिन बहुत ही खतरनाक भी पहाड़ है, अगर हाथ छूटा है या फिर पैर
थोड़ा सा भी डिसमिस हुआ, इधर उधर हुआ तो जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग ना आए और छोटे बच्चे ज़्यादा, तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि हम लोग की फटी चुकी है लेकिन फिर भी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, अभी कोई दिक्कत नहीं, जान है जब तक जान है दुनिया में। तो मिलते हैं अभी, अभी एक पार्टनर हमारा आगे चल चुका है और वेट कर रहा है हम लोग, तो चलते हैं उसको भी मैं मिलाता हूँ आप लोगों को। यही है वो शख्स जो सबसे पहले आकर यहाँ पे बैठा है। तो गाइस हमारा दूसरा भी खत्म होने वाला है और हम लोग नीचे उतरने वाले हैं, और अब हम लोग की टीम जो कि तीनों लोग चल दिए हैं और वो लोग अभी बहुत ही पीछे हैं, तो अब उन लोगों से देखते हैं, कब उन लोगों से देखते हैं, मुलाकात कब होती है, फिर उसके बाद खाना पीना होगा, फिर आराम करेंगे, फिर निकलेंगे। अभी तो हम लोग बहुत ही आगे आ चुके हैं। तो दूसरा पहाड़ भी क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे छोटी सी नदी मिली हम लोगों को, यहाँ भी भैंस वैंस भी बहुत ही ज़्यादा है और ऐसी ऐसी रास्ता से हम लोग जाना पड़ रहा है। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, एजेड लोग भी। और यहाँ पे घर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पुराना मॉडल, मतलब हम लोग सन 1978 में आ गए हैं वापस, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पुराना घर है, बहुत ही पहले वाला। अरे हमारा दूसरा भी पहाड़ खत्म हो चुका है और आप लोग तीसरा आने वाला, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वो भी मिलते हैं आगे तक, क्योंकि चलने में भी हालत ख़राब ही हो रही है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप लोग पहले ये घर देख लीजिए सामने वाला, और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी मिलती रहती हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं रुक कर। और यहाँ पे भी पहाड़ के दूसरे पहाड़ पे सोचो आप लोग घर है, यहाँ पे लोग कैसे आते होंगे डेली। तो यहाँ के लोग बहुत ही काफ़ी परिश्रम करते हैं और बहुत काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं यहाँ के लोग। तो भाई ये भाई इन लोगों को देख ही सकते कितनी मेहनत लगती होगी, और ये लोग यहाँ पे खेती भी करते हैं, पहाड़ों पे खेती कर रहे हैं ये लोग। और आप लोग घर देखिए, बहुत ही मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला भाई। तो चलो मिलते हैं तीसरे वाले पहाड़ से, दूसरा को एंड हम लोग यहीं पे करेंगे। और हम लोग को वहाँ से पानी के बाद यहाँ पे मिलता है दूसरे पहाड़ को क्रॉस करने के बाद, जो कि कुआं में मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे छोटी छोटी झीलें भी चलती हैं, जो कि बारिश के बारिश अभी नहीं हुई तो बहुत ही कम चल रही है यहाँ पे। और आइए मैं आप लोग को कुआं दिखाता हूँ यहाँ का। अरे भाई ओ अरे महाराज पानी आना जाए, पानी आना तो हम लोग यहाँ पे पानी लेंगे, काफी भीड़ है तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलिए मैंने आप लोगों को कुआं दिखा दिया और अभी हम लोग के पास पानी है बचा हुआ है, तो हम लोग आगे चल के झील में से ले लेंगे। यहाँ पे काफी भीड़ है तो यहाँ पे आप लोग समझ ही सकते हैं। और ये देख ले सकते हैं आप लोग ये पहले कुआं कैसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ बढ़िया से। और यहाँ पे पानी आने के लिए बहुत ही चिल्लम चिल्ली मची है, तो चल दो चलते हैं आगे, फिर हम लोग यहाँ से चल देते हैं तुरंत ही। और ये देख सकते हैं आप लोग ये घर पत्थर का बना है पूरा। और ये हमारा अभी दूसरा ही पहाड़ है जिसे हम लोग अब नीचे उतरने वाले हैं, उसके बाद से हमारा तीसरा चालू होगा, तो वहाँ से हम लोग एंड करेंगे दूसरे वाला का और तीसरा पार्ट चालू होगा। हप्पी का सॉन्ग यहाँ पे बज रहा है बहुत ही प्यारा, जिसे वो बहुत ही प्यार से सुनता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें मिलती रहती हैं, बट हाँ पानी का दिक्कत रहता है, पानी भी नहीं, पानी तो है लेकिन ये लोग बहुत ही मेहनत से लाते होंगे यहाँ पे।
बहुत ही ऊपर चढ़ना पड़ता है क्योंकि, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और रेट रेट भी पता करेंगे हम लोग आगे चल के कि यहाँ पे पानी का रेट क्या है। नीचे तो 20 रुपये था और ऊपर क्या है 1 लीटर का। चलो चलते हैं तीसरे वाले में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भैंस चल रही हैं और यहाँ पे भूसा का तो चांस बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक खेती बहुत ही कम है, बिल्कुल कम है। तो ये लोग यहाँ पे भैंस को चरा कर ही रखना पड़ता होगा। और आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ पत्थर के अलावा। और वहाँ पर छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब यहाँ पे तो नेक्स्ट टाइम में अगर कोई आना चाहता है मेरे साथ कमेंट कर देना आप लोग, ज़रूर साथ में ही आएंगे हम लोग। और मैं अगले साल भी ज़रूर ही आऊँगा अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो। जल्दी से मेरे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। देखो वहाँ पे ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर भी वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्रैक्टर भी है। और ये हमारा दूसरा पहाड़, उस नदी को क्रॉस करेंगे तो हमारा दूसरा ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से तीसरा हम लोगों को चालू होगा वहीं ट्रैक्टर के पास से। तो आइए वहीं पर एंड करेंगे, मैं वहाँ की नदी दिखाता हूँ आप लोग की छोटी सी। तो चलो चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो ये दूसरी नदी आ गई है और यहाँ से हमारा दूसरा पहाड़ ख़त्म और हम लोग का तीसरा पहाड़ चालू होता है, यानी तीसरा पहाड़। और यहाँ पर जिसको नहाना है वो नहा भी सकता है, यहाँ पर थोड़ा गंदा पानी है बट ठीक है, जो भी है झील का बढ़िया वो आता होगा बहुत ही दूर से। अभी हम लोग को इस साइड जाना है इसलिए वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि अभी हम लोगों को दूसरा ही पहाड़ है, सात पहाड़ हैं, पांच पहाड़ अभी हम लोग को जाना है। तो आप लोग ब्लॉग में आने तक बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा दूसरा ख़त्म, तीसरे की शुरुआत करते हैं। तो इसमें यहाँ का एंड करता हूँ। तो हमारा तीसरा पहाड़ स्टार्ट हो चुका, आप लोग देख सकते हैं हम लोग पास आ चुके हैं इस घर के, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ऐसा घर हम लोग को सिर्फ पहले देखने को मिलता था, जो कि हमारा भी था कुछ टाइम पहले, बहुत ही पहले था, काफ़ी हम लोग छोटे थे उस टाइम पर। और हमारा यहाँ पर नेटवर्क भी ख़त्म हो चुका है, आइए मैं दिखाता हूँ नेटवर्क। दिखा भाई, अब इन लोगों के फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है, देख लिया नेटवर्क ख़त्म हो चुका है, इसके में भी नहीं है बिल्कुल। तो सूज निकालने के लिए बोल रहा है एंड जूता, जो कि काफ़ी गर्मी हो रही है उसमें, पैर में जलन हो रही है। तो आइए चले चलते हैं। तो अभी हम लोग तीसरा पर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, मज़ा ही मज़ा है इससे बोल सकते हैं। एंजॉय 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 लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा भी ख़त्म, हम लोग उतरने वाले हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे भी लोग हैं, जो कि हम लोग 1:30 बजे चालू किए थे चलना और अभी के 4 बज चुके हैं। राइट, तीसरा पहाड़ हमारा क्रॉस हो चुका है, तो देखते हैं हम लोग कब तक जल जा चुके हैं। और रास्ता आगे की तो पता नहीं क्योंकि हमारा ये पहला है, पहली बार हम लोग यहाँ पर आए हैं। सिर्फ यहाँ पर 2 ही लोग आए थे हमारे ग्रुप के बंदे, जिसको मैंने दिखाया था आप लोगों को, जो पहला सबसे आगे था और एक वहाँ पे। और अभी सभी लोग पीछे हैं, अभी हमारी टीम के अंदर रेड बुल का जोश जगा है। और ये
काफ़ी टाइम चलने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट लेते हैं और काफ़ी गर्मी भी लगती है। आप लोग तो देख ही सकते हैं धूप जो कि बहुत ही तेज है, और यहाँ पे काफ़ी रेस्ट करने के बाद वो लोग भी आ जाते हैं साथी में। तीसरा खत्म, तीसरा तो तीसरा हमारा ये समाप्त हुआ और चौथा पे नंबर लगा चुके हैं हम लोग। वो सामने दिखा रहा है भाई, अब बता रहे हैं चौथा है ना अभी, तो अभी हम लोग सभी लोग साथ में हैं, तो सभी लोग साथ में चलेंगे। थोड़ा डांस वांस हो जा। ये हमारा चौथा पांचवा छठवां भी है, ये मिक्स है पार्ट, इसमें समझ में नहीं आता कौन सा है। और ये हमारा लास्ट, अभी यहीं पे देखेंगे कहीं पे रुकेंगे, खाना पीना फिर होगा, फिर चलेंगे, फिर रात में जल ढारेंगे, सुबह भी ढारेंगे देखना। और आप लोग व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आगे का, और यहाँ पे झील भी है बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी। एक डेढ़ घंटा चलो जी पहुंच जल्दी वहाँ, नीचे उतर के हार जाए। संजीवनी बूटी है गोपाल भैया, सखियां ने सजना है मैं भी सबर ना है आज दिन। तो गाइस आइए मैं आप लोगों को पहाड़ों में कुछ जानवर भी दिखाता हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक जगह पे हैं। वहाँ पे खतरों के खिलाड़ी सिर्फ जा सकते हैं, कोई भी जो अपने जान पर रिस्क ले सकते हैं वही जाएंगे वहाँ पे, हम ले सकते हैं जो कि मैंने ले चुका, मैं ले चुका हूँ अभी। और अभी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बंदर है, ये बंदर नहीं लमकूर बोलते हैं इसे, काला मुंह वाला। और वहाँ पे सभी लोग रेस्ट मार रहे हैं और हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, संजीवनी बूटी हम लोग खोज रहे हैं। और वहाँ पे बंदर हम लोगों से लग रहा है चिढ़ रहा है, वो बहुत जम से ये मिल गई संजीवनी बूटी जिसे हम लोग खरीदते हैं गांव में। आप लोग क्या क्या बोलते हैं कमेंट में आप लोग बताना जरूर। इससे पानी में रखने से ये हरा भरा रहता है बराबर, और यहाँ पे ये बहुत सारा मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए, मतलब ले जा भी सकते हैं आप लोग घर आपकी इच्छा। तो आइए अभी मिलते हैं, अभी थोड़ा नहाएंगे धोएंगे खाना पीना, कुछ नाश्ता वास्ता हो चुका है अभी हम लोगों का। और व्यू तो देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा है जो कि बहुत ही सुंदर है, ये तो एक तरह से स्वर्ग बोल सकते हैं। मंदिर वहाँ पे है, वहाँ पे हम लोगों को जाना, वो वाली दिखाता हूँ जूम करके अभी, जे वाली जे, वहाँ पे अभी हम लोग को जाना। उसके बाद उस मंदिर के अंदर जाने के लिए गुफा में हम लोगों को जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है और उसमें लोगों को चक्कर भी आ जाता है बहुत। और वहाँ पे डांस चला, ये देखते हैं वहाँ पे पहले ए वह डांस का ढोलू थोड़ा सा नाचू।
देख देख वो पकड़ अरे इतना जाने जा को खुदा भागी है नहीं नहीं एक पिंड भेजा था समझदार हूँ कि आदमी क्या होता तो खाई है सुनी गड़बा कहाँ अब चले हम लोग कुंड में नहाने के लिए वहाँ से फिर जल उठाएंगे और देखते हैं कब तक जल जाके चढ़ाते हैं बाबा को पिंटू अभी बोरी और चोखा इन्होंने लिट्टी चोखा खा रहे हैं बिहार का फेमस और यहाँ से बहुत ही निकाल दिए ये लास्ट है अब हम लोग को उतरना है फिर हम लोग कुंड में जाएंगे नहाएंगे वहाँ से चल लेंगे और गोपाल भैया चल दिए अभी तो हम लोग भी चलते हैं अभी आओ देखते हैं अरे
तो जी आ जा उतर आऊं क्या आज भाई गड़े लो तो हम लोग के यहाँ पे आने में काफी रात हो जाती है। रात हो जाने की वजह से हम लोग यहाँ पे कैंप में रुकेंगे और सुबह उठकर जल उठाएंगे, जाकर चढ़ाएंगे बाबा को। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।